धरम धरम आजा, देख कोई मिलने आया है, जल्दी आ। तूने देखा? धरम देख लिया? अभी आपको जो कहना है आप मुझे कहिए। आप ऐसा कीजिए, एक बार और कोशिश कर लीजिए। माँ जी, अब एक बार और माँ जी कहा ना, धक्के मार के घर के बाहर निकालूंगी। अरे जल्दी से काम क्या है वो बताओ, नहीं तो मुंह पे दरवाजा मारूंगी। फिर बोलना मत कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। बोलो जल्दी। अरे आप गुस्सा बहुत करती हैं। जल्दी बोलो। सुनिए ना मेरी बात, मैं बता तो रहा हूँ। मैं आप सुनिए ना पूरी बात। मिसेस मीरा सूर्यवंशी ने डिवोर्स की अर्जी दे दी, बस उसी सिलसिले में आया। क्या? जी हाँ, वो धर्म सूर्यवंशी को तलाक देना चाहती है, बस उसी सिलसिले में पेपर लाया था। बस आप जल्दी से बुला दीजिए ताकि मैं साइन ले लूं और बात खत्म करूं। आप धर्म सूर्यवंशी हैं तो आप पेपर ले लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। अब जल्दी से दस्तखत कर ले, ये काम खत्म हो जाए और फिर तू भी काम धंधे पे लग जा। ये मेरा देवदास का हुलिया देखा नहीं जाता बेटा। धर्म जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि वो सिग्नेचर के अलावा कुछ नहीं मांग रही और वो किसी भी तरह का कोई भी बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती है, इसलिए जल्द से जल्द साइन कर दीजिए ताकि ये मामला खत्म हो। मैं मीरा को तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुरिया, हो गई शादी? चलिए अब जाइए। मेरे बेटे की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं और जब तक उसके दिमाग से प्यार का प्रदूषण नहीं जाता, उतर जाने के बाद मैं खुद आपको बुलाऊंगी। चलो अब जाओ। देखिए, आप ये नहीं कर सकती है, इस तरह पेपर्स को नहीं जला सकती है, ये कानूनी कागजात है के चलते हम आपको अदालत में घसीट सकते हैं, समझिए आप। तो एक तो मेरा दिमाग का पारा वैसे ही गरम है, ऊपर से तू अदालत की धमकी दे रहा है। देख, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना मेरे बेटे का गुस्सा तुम पे उतारूंगी, समझा? चलो। धमकी? धमकी दे रही आप मुझे धमकी दे रही है? नहीं, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। मुझे जेल भिजवाएगा? जी हाँ। तू मुझे जेल भिजवाएगा? जी हाँ, आपको। अगर मुझे जेल जाना ही है